अरे चुनाव की शुरुआत हो रही है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बीच है और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरे मित्र भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इंदौर के नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, श्री शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, और आज मालवा के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इंदौर में आया हूं तो इंदौर में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र अहल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे। भाइयों और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाव और राजमाता की भी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घुमा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्षता तब भी आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे देखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव गांव गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी
हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों, 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी, एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी, 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यहां आया हूं तब मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 9 साल मोदी जी ने शासन किया और इस 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। समग्र दुनिया में कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाए, जापान जाए, फ्रांस जाए, अफ्रीका जाए, इंग्लैंड जाए, हजारों हजारों लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मित्रों, जो मोदी मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाओ तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे।
और केंद्र की सरकार ऊब तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया, वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोलिए, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे, 550 साल से, न जाने कितने अगिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। एक कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरोद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर सोने से फिर से बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी,
किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 7,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 7,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा। 3.6 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया। 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया है। मित्रों, ढेर सारे काम करें मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 9 साल में किया है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मालवा वालों सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे ईश्वर बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना? 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने का काम किया है। मित्रों काम, और कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली, हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े पेंट, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए 18,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई, जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटाधार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल
डेढ़ साल के अंदर करा दिया। माताओं भाइयों बहनों, हमारे यहां 2003 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें चली उन्होंने, और बाद में शिवराज जी ने, और फिर मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। आज मैं मालवा वालों को पूछना चाहता हूं, भाई हर गांव में हर घर में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है? सिंचाई का रकबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? गेहूं चावल और मूंग शिवराज जी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? जोर से बोलो, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? मित्रों, जब उनकी सरकार थी तब ये सारी चीजें नहीं होती। मैं आज पूछने आया हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे। वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे वर्ष 2023 में। शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान का बजट 8 गुना बड़ा, एसटी एससी ओबीसी का बजट 60 गुना बड़ा है। पहले 1,056 करोड़ था, शिवराज जी के शासन काल में 1,056 करोड़ से बढ़कर 64,390 करोड़ बजट हुआ है। औद्योगिक विकास दर माइनस में घुमा करती थी और माइनस कम हो जाए तो वो सीना फुलाते थे, आज औद्योगिक विकास दर 24% हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर पहुंचे और कृषि विकास दर नेगेटिव में से बढ़कर 18%, समग्र देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास दर हमारे मध्य प्रदेश ने। मैं किसानों के लिए कहना चाहता हूं, एमएसपी पर गेहूं की खरीदी उन लोगों ने 4 लाख टन करी थी। कितनी करी थी जरा जोर से बोलो, भाई सुनना पड़ेगा आपको, कितनी करी थी? 4 लाख टन, जोर से बोलो कितनी? शिवराज सरकार ने गत वर्ष में 4 लाख टन की जगह 70 लाख मैट्रिक टन खरीदने का काम किया। धान उनका 95,000 मैट्रिक टन खरीदते थे, इसकी जगह 46 लाख मैट्रिक टन, 45 गुना धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 620 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते थे, अब 4,000 डॉक्टर मध्य प्रदेश से बनते हैं, और हिंदी में भी अब पढ़ाई लिखाई कर सकते हो भाई, हिंदी में भी कर सकते हो। और आईआईटी की संख्या 159 से बढ़ाकर 1100 के ऊपर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चाहे किसान हो या एमएसएमई वाला, चाहे गांव हो, मझला शहर हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चाहे जंगल हो, चाहे शहर कस्बा गांव हो, हर जगह विकास को पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना रुपया मध्य प्रदेश को देते थे? मैं बताता हूं, 2004 से 14 तक वो लोग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र से मध्य प्रदेश को देते थे। कितना देते थे भाई, जोर से बोलो कितना?
और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 23 के 9 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए कई सारे काम किए, रेलवे और नेशनल हाईवे मिलाकर टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग पैसा दिया। ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, रीवा में नया हवाई अड्डा, जबलपुर में नया टर्मिनल और 4000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम किया। 250 मेगावाट का सोलर पार्क, 750 मेगावाट का सोलर पार्क और लगभग 4190 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड पीथमपुर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऊपर मोदी सरकार, ये दोनों मिलकर एक डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएगी। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता है, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जीता सकते। जीता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जीता सकता है? भाजपा को नेता कौन जीता सकता है? कौन चुनाव जीता सकता है? कौन? 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 सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जीता सकता है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ मालवा वालों, लड़ाई के लिए तैयार हो? सुनाई नहीं पड़ता है, दोनों हाथ उठाकर बताओ तैयार हो? हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, पक्का करेंगे, रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो ये लाइव तस्वीरें इंदौर से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस खास कार्यक्रम के लिए यहां पर पहुंचे थे वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चुनावी श्रृंखला जिसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री यहां से कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कुल मिलाकर यहां पर पहुंचे थे और सीधे संदेश देने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक काम करना होगा और इसी बात का संकल्प भी दिलाया है। आज के इस बार भी चुनाव में उसी जोश के साथ काम करेंगे और रिकॉर्ड मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र मिल चुका है, सुगबुगाहट को आप भी महसूस करिए क्योंकि अब जमीनी स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता डबल जोश के साथ आपको नजर आने वाले हैं। ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की